एक गौशाला दे विच तेंदुए दा कहर देखन नू मिलिया ते एक महीने तो हुण तक ए तेंदुआ करीब 10 गऊआं नू अपना शिकार बना चुका है। पिंड वालिया वल्लों जंगलात विभाग नू भी इसकी सूचना दी गई पर जंगलात विभाग वल्लों भी कोई कार्रवाई अमल च नहीं लियांदी गई, जिस दे कारण हुण पिंड दे लोकां दे विच दहशत दा माहौल है। दस दिए कि तेंदुआ रात दे समय गौशाला दे विच आउंदा है, गऊआं नू बच्चियां नू अपना शिकार बनाउंदा है अते मौके तों फरार हो जाता है। हालांकि हुण एक सीसीटीवी भी सामने आई है जिस साफ देखा जा सकता है कि जो तेंदुआ है वह गऊशाला की कंध टप के अंदर वड़दा है, अंदर वड़न तो बाद ही अपना शिकार बनाउंदा है। हालांकि कहा जा रहा है कि इलाके दे विच ये दो तेंदुए ने जिन्हां ने लोगों का तड़के तड़के अते रात नू घर दे विचों निकलना मुश्किल कर दिता है। खास करके बच्चे अते बजुर्गों के नाल किसी ना किसी नू नाल जाना पैंदा क्योंकि तेंदुए दे वल्लों किते ना किते बच्चे अते बजुर्गों का शिकार ना कर लिया जाए। तो दस दिए कि गुरुग्राम तो यह मामला सामने आया जिथे कि एक महीने तो लगातार पिंड दे लोग तेंदुए तो दुखी ने। जंगलात विभाग भी कार्रवाई करन दे विच समर्थ नज़र नहीं आ रहा, जिस दे कारण यह तेंदुआ रात दे समय गौशाला दे विच आउंदा है अते गऊआं नू अपना शिकार बनाउंदा है। घटना कल की है और ये ऐसा एक महीने से लगातार हो रहा है। एक महीने में इस तेंदुए ने 10 गोवंश गाय बछिया खाई है जी, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा दहशत का माहौल है। हम इतने दिन से मेहनत कर रहे हैं जी, लेकिन ये गाय खा जाता है, कभी बछड़ा खा जाता है। इसकी हमने शिकायत भी दी है फॉरेस्ट विभाग को, लेकिन उनका जवाब कोई खास आ नहीं रहा है। वो कह रहा है ये उसका चारा है, वो तो खाएगा। अगर कोई इंसान पर अटैक करता है तो हम कोई कार्रवाई करते हैं, तो ये तो कोई खास जवाब नहीं लगा जी उनका। अब छोटे बच्चे लेडीज ये सुबह शाम यहाँ सब आते घूमने, भाई वॉकिंग करने आते हैं, मंदिर भी है। तो अब सबको डर है जी, अंधेरा होने के बाद इधर कोई आता भी नहीं है। पहले तो वो पहाड़ में रहता था, अब गौशाला में आ रहा है, और कल को जी वो गांव में भी जाएगा। तो हमारी तो बस यही है जी आपसे कि कोई इसका समाधान किया जाए, इसको पकड़ के या तो कहीं दूर छोड़ा जाए, या फिर जो ये फॉरेस्ट वाले अपने पहाड़ के नीचे नीचे अपना कोई जाल वगैरह लगाएं, बिल्कुल ठीक, इससे बचाव होगा। भाई जंगल में डोलेगा तो जी अपने इसके तार फेंसिंग करो, जाल लगाओ। अब यहाँ इंसान थोड़ी मारने के लिए जी। एक गौशाला दे विच तेंदुए दा कहर देखने नू मिलिया है ते एक महीने तो हुण तक ये तेंदुआ करीब 10 गऊआं नू अपना शिकार बना चुका है। पिंड वालिया वल्लों जंगलात विभाग नू भी इसकी सूचना दी गई पर जंगलात विभाग वल्लों भी कोई कार्रवाई अमल च नहीं लियांदी गई, जिस दे कारण हुण पिंड दे लोकां दे विच दहशत दा माहौल है। दस दिए कि तेंदुआ रात दे समय गौशाला दे विच आउंदा है, गऊआं नू बच्चियां नू अपना शिकार बनाउंदा है अते मौके तों फरार हो जाता है। हालांकि हुण एक सीसीटीवी भी सामने आई है जिस साफ देखा जा सकता है कि जो तेंदुआ है वह गौशाला की कंध टप के अंदर वड़दा है अते अंदर वड़न तो बाद ही अपना शिकार बनाउंदा है। हालांकि कहा जा रहा है कि इलाके दे विच ये दो तेंदुए ने जिन्हां ने लोगों का तड़के तड़के अते रात नू घर दे विचों निकलना मुश्किल कर दिता है। खास करके बच्चे अते बजुर्गों के नाल किसी ना किसी नू नाल जाना पैंदा क्योंकि तेंदुए दे वल्लों किते ना किते बच्चे अते बजुर्गों का शिकार ना कर लिया जाए। तो दस दिए कि गुरुग्राम तो यह मामला सामने आया जिथे कि एक महीने तो लगातार पिंड दे लोग तेंदुए तो दुखी ने। जंगलात विभाग भी कार्रवाई करन दे विच समर्थ नज़र नहीं आ रहा, जिस दे कारण ये तेंदुआ रात दे समय गौशाला दे विच आउंदा है अते गऊआं नू अपना शिकार बनाउंदा है। घटना कल की है और ये ऐसा एक महीने से लगातार हो रहा है। एक महीने में इस तेंदुए ने 10 गोवंश गाय बछिया खाई है जी, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा दहशत का माहौल है। हम इतने दिन से मेहनत कर रहे हैं जी, लेकिन ये गाय खा जाता है, कभी बछड़ा खा जाता है। इसकी हमने शिकायत भी दी है फॉरेस्ट विभाग को, लेकिन उनका जवाब कोई खास आ नहीं रहा है। वो कह रहा है ये उसका चारा है, वो तो खाएगा। अगर कोई इंसान पर अटैक करता है तो हम कोई कार्रवाई करते हैं, तो ये तो कोई खास जवाब नहीं लगा जी उनका। अब छोटे बच्चे लेडीज ये सुबह शाम यहाँ सब आते घूमने, भाई वॉकिंग करने आते हैं, मंदिर भी है। तो अब सबको डर है जी, अंधेरा होने के बाद इधर कोई आता भी नहीं है। पहले तो वो पहाड़ में रहता था, अब गौशाला में आ रहा है, और कल को जी वो गांव में भी जाएगा। तो हमारी तो बस यही है जी आपसे
कि कोई इसका समाधान किया जाए, इसको पकड़ के या तो कहीं दूर छोड़ा जाए, या फिर जो ये फॉरेस्ट वाले अपने पहाड़ के नीचे नीचे अपना कोई जाल वगैरह लगाए, बिल्कुल ठीक, इससे बचाव होगा। भाई जंगल में डोलेगा तो जी अपने इसके तार फेंसिंग करो, जाल लगाओ। अब यहाँ इंसान थोड़ी मारने के लिए है जी।